हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी विल लर्न अबाउट द एसिड बेस कॉन्सेप्ट। रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द एसिड बेस कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे आज। इसमें लुइस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, इसके अलावा हम इसमें आयोनाइजेशन कॉन्स्टेंट ऑफ वाटर ये भी पढ़ेंगे और पीएच के बारे में भी पढ़ेंगे। पीएच है, पीओएच है, कैसे किसी सब्सटेंस का पीएच फाइंड करना पड़ता है और कैसे उसको करते हैं, क्या मेजरमेंट है, ये बात सभी इसमें देखेंगे आज आज के इस वीडियो में। तो सबसे पहले जो एसिड बेस का हमने दो ऑलरेडी कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, एक अरेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस और दूसरा था हमारा ब्रोंस्टीड लोरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। एक में था कि यदि हाइड्रोजन आयन जो डोनेस्टर हैं उन्हें एसिड बोला जाता है या जो हाइड्रोक्सिल आयन डोनेट करने वाले हैं वो बेस कहलाते हैं अकॉर्डिंग टू अरेनियस कॉन्सेप्ट। वहीं यदि हम ब्रोंस्टीड और लोरी कॉन्सेप्ट में देखते हैं तो प्रोटॉन डोनर आर कॉल्ड एसिड्स एंड प्रोटॉन एक्सेप्टर आर कॉल्ड बेस। जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने वाले हैं वो बेस कहलाते हैं। लेकिन यहाँ पर भी कुछ लिमिटेशंस रह गई थी वो ब्रोंस्टीड लोरी कॉन्सेप्ट में, जैसे कुछ ऐसे भी एसिड्स थे जिनमें हाइड्रोजन नहीं पाया जाता है उनको फुलफिल करने के लिए, तो अरेनियस और लोरी जो कॉन्सेप्ट था ये लिमिटेड टू द सम सब्सटेंसेस, कुछ सब्सटेंसेस के लिए ही लिमिटेड था। जो कि लुइस ने एक क्या किया कि एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट दिया एसिड और बेस का, तो उस ब्रॉडर कॉन्सेप्ट को हम लुइस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस बोलते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। अकॉर्डिंग टू लुइस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, एसिड्स आर, एसिड किन्हें बोला जाता है, ये जी एन लुइस के द्वारा दिया गया था। एसिड वे सब्सटेंसेस होते हैं विच कैन एक्सेप्ट ए पेयर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एसिड, एन एसिड इज ए सब्सटेंस विच कैन एक्सेप्ट ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कम से कम एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता हो, दो सब्सटेंसेस आर कॉल्ड एसिड्स। बेस वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकते हैं, मीन्स ए बेस इज ए सब्सटेंस विच कैन डोनेट ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब है कि जो एसिड्स होते हैं या लुइस एसिड जिन्हें हम बोलते हैं, लुइस एसिड्स आर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर एंड बेस जो लुइस बेस होते हैं दे आर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। एक एक्सेप्ट कर रहा है, दूसरा वहीं पर डोनर है, मतलब डोनेट करना चाहता है, देना चाहता है। अब वो देगा तभी जब उसके पास क्या होंगे, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होंगे डोनेट करने के लिए। तो ऐसे हो सकते हैं जिन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो या फिर जिन पर क्या हो, नेगेटिव चार्ज हो, तभी वो डोनेट कर सकते हैं। तो आगे हम जैसे एग्जाम्पल देखते हैं लुइस एसिड और लुइस बेस के, तो लुइस एसिड जैसे कौन कौन से मॉलिक्यूल आयंस लुइस एसिड की तरह बिहेव करते हैं। एक तो वे होते हैं मॉलिक्यूल इन विच द सेंट्रल एटम हैज़ इनकम्प्लीट ऑक्टेट, जिनके सेंट्रल एटम का ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है, मीन्स उसके आउटर मोस्ट में टोटल इलेक्ट्रॉन 4 हों 6 हों 5 हों 7 हो, तो 7 वाला तो नहीं होगा, मतलब 6 तक जो होंगे इलेक्ट्रॉन्स वो क्या कर सकते हैं, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, कम से कम एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को वह एक्सेप्ट कर सकते हैं। जैसे देखिए इनमें से BF3, AlCl3, FeCl3 कोई भी यदि आप लेते हैं तो ये जैसे बोरॉन F और ये F, तो यहाँ पर एक बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन से मिलकर के बन रहा है, तो 2, 4 और 6 मीन्स, जबकि होना कितने चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए, कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए थे, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, मीन्स ये अभी भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकते हैं। और पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को गेन करने का मतलब है कि वो पेयर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर हो गए, तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर एक्ट एज ए लुइस एसिड्स। वहीं यदि हम दूसरे देखें, जितने भी सिंपल कैटाइंस हैं मीन्स हैविंग पॉजिटिव चार्ज, दे एक्ट एज लुइस एसिड, वो सभी के सभी लुइस एसिड की तरह बिहेव करते हैं, जैसे हाइड्रोजन आयन, सिल्वर आयन, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम। इसमें से यदि हाइड्रोजन और सिल्वर को देखा जाए तो इनमें जो है स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है टू एक्सेप्ट ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वाइल सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम इनमें जो है टेंडेंसी कम होती है इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने की। तो ये कैसे होते हैं, थोड़ा वीक लुइस एसिड का फॉर्मेशन करते हैं, जबकि ये स्ट्रॉन्ग जो है लुइस एसिड है। और यही कारण है कि सिल्वर जैसे जो आयन है दे एक्सेप्ट ए 2 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अमोनिया एंड फॉर्म डाईएमीन सिल्वर आयन, और ये डाईएमीन सिल्वर आयन का फॉर्मेशन कर लेते हैं, मीन्स कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। और जो ट्रांजिशन मेटल है वो तो लगभग लगभग सभी किसके जो ट्रांजिशन आयन है कैटाइन,
वो लुईस एसिड की तरह ही सभी बिहेव करते हैं और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं इसके द्वारा। नेक्स्ट देखिए, जैसे और भी एग्जांपल्स हैं इसके, और अदर एग्जांपल्स में जैसे मॉलिक्यूल्स इन विच द सेंट्रल एटम हैज़ एम्प्टी डी ऑर्बिटल, ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें सेंट्रल एटम में क्या हो, एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स हैं, और यदि एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स होगा देन दे कैन एक्सटेंड देयर कोऑर्डिनेशन नंबर और दे कैन एक्सटेंड देयर आउटर ऑक्टेट्स, मतलब अपने आउटर ऑक्टेट्स को और आगे एक्सपैंड कर सकते हैं बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अदर सब्सटेंस, दूसरे सब्सटेंस से इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके, मतलब एक्सेप्टर जो है वो एसिड्स है तो ये एक्सेप्ट करेंगे किससे, बेस, बेस क्योंकि डोनर है। अब यहाँ पर देखिए जैसे SiF4, SnCl4 कुछ भी यदि आप लेते हैं और इनको यदि फर्दर हम 2-फ्लोराइड आयन, यहाँ से इनको इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन मिलने से क्या बना लेगा, ये SiF6 डाई नेगेटिवली चार्ज कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेंगे। तो इस तरह से इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर लिख सकते हैं क्योंकि टोटल चार्ज है उस पर डाई नेगेटिव, क्योंकि 2-फ्लोराइड आयन है, तो फ्लोराइड आयन क्या है, नेगेटिवली चार्ज है, मीन्स ये डोनेट कर सकते हैं। SiF4 सिलिकॉन टेट्रा फ्लोराइड में एम्प्टी डी ऑर्बिटल है सिलिकॉन के पास, इसलिए अभी ये और भी गेन कर सकता है। इसी तरह से यदि आप जैसे ये PCl3 है, इसमें यदि 2 क्लोरीन देते हैं तो ये PCl5 भी बना लेगा, मीन्स अभी इसके पास और भी एम्प्टी डी ऑर्बिटल थे, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन ले करके PCl5 का भी फॉर्मेशन कर लेंगे। और PF इसी तरह से 5 है, यदि ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ले ले तो PF6 भी बना सकता है, तो यह ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एम्प्टी डी ऑर्बिटल, इनके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल है और वो एक्सेप्ट कर लेते हैं क्योंकि अपने अभी ये मैक्सिमम ऑक्टेट पर नहीं है, मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर पर नहीं है, उससे कम है मैक्सिमम, और आगे भी ये जा जैसे SN यहाँ तक पहुँच गया 6 तक, SnCl4 भी SnCl6 तक बना सकता है। नेक्स्ट है जैसे ऐसे मॉलिक्यूल्स वो भी लुईस एसिड होते हैं इन विच एटम्स ऑफ डिसिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज आर ज्वाइंड बाय मल्टीपल बॉन्ड, जिनमें डिसिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ हों और वो किसके द्वारा जुड़े हों, दूसरे एटम के साथ मल्टीपल बॉन्ड के द्वारा, मीन्स डबल या ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जुड़े हों, वो मल्टीपल बॉन्ड, जैसे यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड है तो ये कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग है, ऑक्सीजन की अलग है, और दोनों देखिए डबल बॉन्ड के द्वारा ये जुड़े हुए हैं। अब यदि हम इसमें कोई लुईस बेस, ये तो किसके जैसे बिहेव कर रहे हैं, लुईस एसिड, क्यों बिहेव करेंगे लुईस एसिड के जैसे, क्योंकि ये लुईस बेस से क्या करेंगे, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं और यहाँ पर बना लेंगे ये जैसे OH, इस तरह से बना लेंगे, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा एक पर, या इसी को आप लिख सकते हैं HCO3 1 नेगेटिव आयन, मीन्स ये देखिए बाइकार्बोनेट आयन का फॉर्मेशन कर लिया ये, तो ये बाइकार्बोनेट आयन क्यों बना, ड्यू टू द एक्सेप्टिंग ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम OH, मीन्स ये हो गया यहाँ पर लुईस बेस, ये डोनेट करने वाला है और ये एक्सेप्टर है। तो इस तरह से ऐसे कंपाउंड्स भी किसकी तरह बिहेव कर सकते हैं, एसिड की तरह बिहेव, लुईस एसिड कहलाते हैं। तो इसमें काफ़ी मतलब ऐसे कंपाउंड्स थे जो दूसरे कॉन्सेप्ट के द्वारा जिनके एसिडिक या बेसिक करेक्टर को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, वो यहाँ पर जो है उन सभी को एक्सप्लेन किया गया। लेकिन जितने भी ब्रोंस्टेड एसिड्स थे वो सभी के सभी लुईस एसिड नहीं बन पाए, क्योंकि कुछ ऐसे भी कंपाउंड थे जिनको लुईस एसिड के द्वारा भी एक्सप्लेन नहीं किया गया। अभी आगे हम कुछ लुईस बेस के एग्जांपल देखते हैं। तो लुईस बेस जैसे कि वह हो सकते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है, और डोनर कौन कर सकते हैं, जैसे न्यूट्रल स्पीसीज हैविंग एटलीस्ट वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसे न्यूट्रल स्पीसीज भी हो सकते हैं लुईस बेस के रूप में जिनके पास डोनेट करने के लिए कम से कम वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, जैसे अमोनिया, RnH2 मतलब एमाइंस, एल्कोहल, ETC। वहीं पर यदि हम नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज या एनाइंस जितने भी हैं वे भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं, जैसे क्लोराइड आयन, साइनाइड आयन, हाइड्रोक्सिल, ब्रोमाइड, नाइट्राइड, फॉस्फाइड, सल्फाइड, जो भी जितने भी नेगेटिवली चार्ज्ड एनाइंस हैं वे सभी के सभी क्या हो सकते हैं, लुईस बेस कहलाते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर एसिड्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर बेस होते हैं।
लेकिन यहाँ इसमें भी जो लुइस कॉन्सेप्ट था इसमें काफ़ी कुछ एक्सप्लेन किया गया, ब्रॉडर कॉन्सेप्ट था, फिर भी लेकिन कुछ यहाँ पर लिमिटेशंस रह गई जो कुछ बातों को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, कुछ थिंग्स ऐसे रह गए जो छूट गए यहाँ पर भी। तो देखिए उनमें क्या क्या लिमिटेशन थी लुइस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस की। तो देखिए जो लुइस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड बेस था, ब्रॉडर तो था लेकिन एक्चुअल में अरेनियस कॉन्सेप्ट में जो बताया गया या ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट में बताया गया कि जो हाइड्रोजन आयन डोनर हैं वे या प्रोटॉन डोनर हैं वो एसिड कहलाते हैं, लेकिन यहाँ पर आपने ऐसा कहीं पर भी नहीं पढ़ा कि जो हाइड्रोजन आयन डोनर हैं, जो हाइड्रोजन आयन दे सकते हैं वे एसिड कहलाते हैं, इसमें ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो सबसे बड़ा लिमिटेशन तो वही था इसका। तो इसमें देखिए फर्स्ट लिमिटेशन ये है ड्रॉबैक्स इसका कि इट इंक्लूड ऑल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ये बताया जाता है इसमें कि जितने भी डी आयंस हैं मतलब ट्रांजिशन मेटल आयंस हैं दे कैन फॉर्म कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स बाय एक्सेप्टिंग द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द लिगेंड्स। मतलब जो डोनर हैं वो डोनेट करते हैं और ट्रांजिशन मेटल आयन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को गेन करके कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने की वजह से मतलब जितने भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैं सभी के सभी किसकी तरह एक्ट होना चाहिए, लुइस एसिड की तरह। लेकिन हाउएवर मे नॉट ऑलवेज बी ट्रू, लेकिन ये हमेशा ऐसा नहीं होता है कि सबके सब क्या बन जाए एसिडिक नेचर के हों या सारे लिगेंड्स जो है वो बेसिक नेचर के हों। इसके बाद सेकंड देखें, इट डज नॉट एक्सप्लेन द वेल नॉन प्रोटोनिक एसिड्स लाइक HCl, H2SO4, HNO3 एट्सेट्रा विच डू नॉट फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स विद बेसिस। ये उन एसिड्स को एक्सप्लेन नहीं करता है जो वेल नॉन प्रोटोनिक एसिड्स हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है जिसमें हाइड्रोजन आयन कंटेंट है, उनके बारे में एक्सप्लेन नहीं करता है क्योंकि ये या मतलब ऐसे एसिड्स जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनाते हैं उनके बारे में नहीं बताता है बेसिस के साथ। तो ऐसे एसिड्स मतलब इनके अकॉर्डिंग एसिड नहीं है। एसिड तो है ये HCl तो एसिड है बट इट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज ए लुइस एसिड। ये लुइस एसिड नहीं है क्योंकि इस पर क्या नहीं है, लुइस एसिड के लिए इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर का काम नहीं करते, एक्सेप्ट नहीं करते HCl, इसलिए ये लुइस एसिड नहीं होता है। थर्ड है इट डज नॉट एक्सप्लेन द रिलेटिव स्ट्रेंथ्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। इसके द्वारा तो ये भी हम नहीं बता सकते हैं यहाँ पर भी कि ये कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है, किसका pH कितना होगा, ये इस तरह से कोई भी इंफॉर्मेशन इसमें भी नहीं है। रिलेटिव स्ट्रेंथ जो है उनकी कौन स्ट्रॉन्ग है कौन वीक है वो एक्सप्लेन नहीं किया गया। नेक्स्ट, एसिड बेस रिएक्शंस आर यूजुअली फास्ट। जनरली क्या होती हैं एसिड और बेस की रिएक्शंस फास्ट होती हैं बट द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज स्लो। लेकिन यहाँ तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मेशन काफ़ी स्लो होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो लुइस कॉन्सेप्ट है इट डज़ नॉट फिट इन द एसिड बेस रिएक्शन, ये एसिड बेस रिएक्शन कॉन्सेप्ट में फिट नहीं होता है। ई है द नेक्स्ट जो ड्रॉबैक्स है कि जो कैटालिटिक एक्टिविटी होती है मैनी एसिड्स की वो जनरली किसकी वजह से होती है, ड्यू टू द हाइड्रोजन आयन। अब चूंकि लुइस एसिड में तो हाइड्रोजन आयन नहीं होता है इसका मतलब तो ये हुआ कि बहुत सारे लुइस एसिड्स में कैटालिटिक प्रॉपर्टी नहीं होती है इसके अकॉर्डिंग। तो ये कि द कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ मैनी एसिड्स इज ड्यू टू द हाइड्रोजन आयन, सिंस ए लुइस एसिड नीड नॉट कंटेन हाइड्रोजन आयन, देयर फोर मैनी लुइस एसिड्स विल नॉट पजेसेस कैटालिटिक प्रॉपर्टी। और इस वजह से मीन्स उनके अकॉर्डिंग इसमें कैटालिटिक एक्टिविटी नहीं पाई जाती है। तो ये ड्रॉबैक्स था इसका लुइस कॉन्सेप्ट का। तो इसके अकॉर्डिंग देखा जाए कि जितने भी ब्रोंस्टेड बेस थे वे सभी के सभी लुइस बेस हैं, लेकिन जितने भी ब्रोंस्टेड एसिड्स थे वो सभी के सभी लुइस एसिड नहीं होते हैं, क्योंकि मेन तो वही है कि जो वेल नोन एसिड्स हैं जो प्रोटॉन डोनर हैं या हाइड्रोजन आयन डोनर हैं उनको उनमें इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की क्षमता नहीं होती है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, इसका मतलब है कि वो लुइस एसिड नहीं होते हैं। तो जितने भी ब्रोंस्टेड एसिड्स हैं वो आर नॉट लुइस एसिड्स, वो कोई भी लुइस एसिड नहीं होता है। ये सबसे बड़ा इसका लिमिटेशन था कि जो जितने हम मेन एसिड्स पढ़ते हैं वही एसिड नहीं है, उन्हीं को एसिड के रूप में कंसिडर यहाँ पर नहीं किया गया है। तो इस तरह से कभी कभी क्वेश्चंस कुछ अलग तरीके से भी पूछ लिए जाते हैं कि आपको कुछ आयंस दे दिए जाते हैं उसमें पूछा जाता है कि इनके कंजुगेट एसिड और बेस क्या हैं।
क्योंकि ये हमारे टॉपिक्स सभी आपने तीन एसिड और बेस से रिलेटेड देखे, तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है इस तरह से पूछा जाता है, जैसे क्वेश्चन है राइट द कंजुगेट एसिड एंड कंजुगेट बेस फॉर फॉलोइंग स्पीसीज। इन स्पीसीज के लिए हमें कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस लिखना है, तो किस तरह से होगा? तो जैसे ये स्पीसीज जो भी हैं दोनों की तरह बिहेव कर सकते हैं, कंजुगेट एसिड की तरह भी, कंजुगेट बेस की तरह भी, तो इसका आंसर क्या होगा? यदि हम यहाँ पर जैसे इसके लिखेंगे कंजुगेट एसिड लिख लें और यहाँ पर इनके लिख लेंगे कंजुगेट बेस, क्या होंगे? तो कंजुगेट एसिड, जैसे वाटर, एसिड का फॉर्मेशन कैसे होता है कंजुगेट एसिड का? तो ये क्या करते हैं, कंजुगेट एसिड तब बनते हैं जब ये प्रोटॉन को क्या करें, एक्सेप्ट कर लें, और यदि मान लीजिए कि रिलीज कर देते हैं तो उससे किसका फॉर्मेशन होता है, कंजुगेट बेस। अब यहाँ पर सभी में क्या करना है, आपको H पॉजिटिव आयन को जोड़ देना है तो कंजुगेट एसिड बन जाएंगे, और यदि हम H पॉजिटिव आयन को रिलीज कर देते हैं तो क्या बन जाएंगे, सारे के सारे कंजुगेट बेस। तो यहाँ सब में ऐड कर दीजिए, यहाँ पर आप ऐड करेंगे तो हाइड्रोनियम आयन, इसमें H पॉजिटिव को जोड़ देंगे तो H2CO3 ये बन जाएगा, कार्बनिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा, ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज था, H पॉजिटिव जोड़ दिया तो H2CO3, माइनस और प्लस ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। HSO4 तो इसमें हो जाएगा H2SO4, ये इसके लिए कंजुगेट एसिड हो जाएगा। NH3 इसमें ऐड कर देंगे, NH4 पॉजिटिव, CH3COOH तो इसके लिए हो जाएगा CH3COOH2 पॉजिटिव, यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज के साथ आ जाएगा CH3COOH2 पॉजिटिव। अब इनके इसी तरह से हमें कंजुगेट बेस भी लिख सकते हैं, वाटर में से H पॉजिटिव को रिलीज कर दीजिए तो कंजुगेट बेस के रूप में आ जाएगा हाइड्रोक्सिल आयन, बाइकार्बोनेट से मैं भी हाइड्रोजन आयन को माइनस कर देंगे तो ये बचेगा CO3 डाई नेगेटिव, ये कंजुगेट बेस बन जाएगा बाइकार्बोनेट आयन के लिए। इसी तरह से बाइसल्फेट, वो सल्फेट आयन है, बाइसल्फेट इसमें से भी हो जाएगा, ये सल्फेट आयन में कन्वर्ट हो जाएंगे। अमोनिया में से हाइड्रोजन आयन को रिलीज कर देंगे, हाइड्रोजन आयन को रिलीज करने पर यहाँ पर क्या बच जाएगा, NH3 था तो ये बचेगा NH2 और एक माइनस चार्ज आ जाएगा क्योंकि H पॉजिटिव यहाँ से रिलीज हो चुका है। CH3COOH इसमें से भी हाइड्रोजन को माइनस कर देंगे तो एसीटेट आयन, CH3COO नेगेटिव आयन। तो ऐसे हम कंजुगेट एसिड और बेस का फॉर्मेशन इजिली कर सकते हैं। इस तरह का क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, कई बार इस तरह से क्वेश्चंस को पूछा गया है, तो ये ज़रूरी था आपके लिए जानना। इसके बाद देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा है आयोनाइजेशन कॉन्स्टेंट ऑफ वाटर एंड आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। हम यहाँ पर वाटर का आयोनाइजेशन कांस्टेंट या जिसे हम डिसोसिएशन कांस्टेंट भी बोलते हैं, इसको फाइंड करेंगे। क्योंकि वाटर आप जानते हैं कि वाटर इज़ ए वीक इलेक्ट्रोलाइट, और उसी में आयनिक प्रोडक्ट भी फाइंड करेंगे। तो वाटर इज़ ए वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब तो ये हुआ कि इट डिसोसिएट टू ए स्मॉल एक्सटेंट ओनली, सो इट डिसोसिएट टू ए स्मॉल एक्सटेंट, ये काफ़ी कम ही क्या होगा, डिसोसिएट होगा। और जैसे यदि हम वाटर को वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये किस तरह से डिसोसिएट हो जाएगा, एक तो बना लेगा प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके, एक डोनेट करेगा और एक लॉस करेगा, एक एक्सेप्ट करेगा, तो एक बन गया हाइड्रोनियम आयन और दूसरा हो गया हाइड्रोक्सिल आयन। ये दोनों एक्वस सॉल्यूशन है, मतलब यहाँ पर लिक्विड लिक्विड लिया हुआ था, एक्वस फॉर्म में ही रहेंगे। जो डिसोसिएशन कांस्टेंट हम फाइंड करेंगे फॉर द आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, तो ये डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वाटर या फॉर आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, तो इस इक्वेशन से इसको फाइंड करेंगे। के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन अपॉन प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट ही लेते हैं, H2O और H2O, दो वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पर ले रहे हैं, तो H2O या H2O का हम क्या कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं। तो जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है यहाँ पर है ये K इज़ द
डिसोसिएशन कांस्टेंट। अभी आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं के हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोक्सिल आयन और ये वाटर का स्क्वायर कर दीजिए। अब चूंकि यहाँ पर क्या है, डिसोसिएशन तो बहुत ही कम है और डिसोसिएशन कम होने का मतलब ये हुआ, ये जो कंसंट्रेशन ऑफ अनडिसोसिएटेड वाटर है इट मे बी टेकन एज कांस्टेंट। इसको हमें कांस्टेंट, मान लीजिए कि आपने 100 ml वाटर लिया, उस 100 ml वाटर में से सिर्फ हुआ कि एक ही ml क्या हुआ या 0.5 ml ही डिसोसिएट हुआ, बाकी का पार्ट क्या हुआ अनडिसोसिएटेड फॉर्म में रह गया, तो इसको मतलब हम 0.95 को भी पूरा का पूरा कितना मान लेंगे, 100 ही मान के चलेंगे परसेंटेज के, 100% में से सिर्फ 0.5 है तो जो 99.5 है मे बी इक्वल टू द 100। तो इस तरह से इसको हम क्या कर लेंगे, कांस्टेंट मान के चलेंगे। तो इसके लिए जैसे चूंकि अनडिसोसिएटेड पार्ट अभी भी ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू डिसोसिएशन, डिसोसिएशन के कंपैरिजन में वो लगभग डिसोसिएशन वाला पार्ट नेग्लिजिबल ही है, तो इसलिए कांस्टेंट लेना पड़ेगा। तो सिंस द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वाटर इज़ वेरी स्मॉल, देयरफॉर द कंसंट्रेशन ऑफ अनडिसोसिएटेड वाटर मे बी टेकन एज कांस्टेंट, इसलिए हम इसको कांस्टेंट ले लेंगे। तो इसी इक्वेशन को आप लिख सकते हैं के इंटू H2O का स्क्वायर इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन इंटू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन। H2O को हमने क्या ले लिया, यहाँ पर कांस्टेंट ले लिया, तो के इंटू कांस्टेंट इज इक्वल टू हाइड्रोनियम आयन इंटू हाइड्रोक्सिल आयन, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन इंटू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन, ये हो गया। और के इंटू कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट मतलब जितना आपने पहले लिया हुआ था उतना ये मान के चलेंगे कि डिसोसिएशन के बाद भी वाटर की क्वांटिटी सेम ही है, उसके कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आया, इसके कंसंट्रेशन में जो अनडिसोसिएटेड पार्ट था, जबकि कुछ अमाउंट में डिसोसिएट हो गया, तो जो चेंज होगा वो स्लाइट चेंज होगा, लिटिल चेंज होगा उसमें, उस लिटिल चेंज को हम निगलेक्ट कर देंगे और उसके कंसंट्रेशन को ये मान लेंगे कि ये तो उतना ही है जितना पहले था। तो के इंटू कॉन्स्टेंट को आप लिख सकते हैं के डब्ल्यू, और मीन्स क्योंकि डब्ल्यू फॉर वाटर, वाटर के लिए निकाल रहे हैं तो के डब्ल्यू हो जाएगा। तो ये के डब्ल्यू इज इक्वल टू, देखिए क्या निकल आया, हाइड्रोनियम आयन इंटू हाइड्रोक्सिल आयन, और इसी के डब्ल्यू को हम आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर बोलते हैं। के डब्ल्यू इज आल्सो ए कांस्टेंट एंड इट इज़ नोन एज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। तो के डब्ल्यू इज द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, ये वाटर का आयनिक प्रोडक्ट है जिसे हम फाइंड करना चाहते थे, तो के डब्ल्यू निकाल लिया। अभी देखिए के डब्ल्यू जो है कांस्टेंट वैल्यू होती है, इट्स वैल्यू इज कांस्टेंट एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर पर फिक्स है। तो वैल्यू ऑफ जो के डब्ल्यू है मीन्स आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर है, इसका वैल्यू कांस्टेंट है एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, पर्टिकुलर टेम्परेचर पर मीन्स किसका मतलब ये हुआ कि यदि हम टेम्परेचर को वैरी करते हैं तो के डब्ल्यू की वैल्यू भी चेंज होती जाएगी, एंड वैरी इज विद द चेंज इन टेम्परेचर। तो ये के डब्ल्यू की वैल्यू जैसे जैसे आप टेम्परेचर चेंज करते जाएंगे ये भी चेंज होती जाएगी, एंड एट 298 केल्विन द वैल्यू ऑफ के डब्ल्यू इज, के डब्ल्यू के वैल्यू जो होती है के डब्ल्यू इज इक्वल टू, आपने पढ़ा भी, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन इज इक्वल टू 1.008 इंटू 10^-14 मोल स्क्वायर लीटर इनवर्स मोल पर लीटर था तो मोल पर लीटर हो जाएगा मोल स्क्वायर लीटर इनवर्स स्क्वायर। तो ये टोटल वैल्यू है, लेकिन फॉर सिंपलिसिटी, हम सिंपलिसिटी के लिए यहाँ पर ये वैल्यू को थोड़ा और जो है सिंपल ले लेते हैं, सिंपल बना लेते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन हाइड्रोक्सिल आयन इज इक्वल टू 1.0 ले लेते हैं इंटू 10^-14। अब चूँकि आप वाटर को जानते हैं कि वाटर एक न्यूट्रल है, इन वाटर, और न्यूट्रल क्यों है वहाँ पर, इसका मतलब ये हुआ कि जितने हाइड्रोजन आयन हैं या हाइड्रोनियम आयन हैं उतने ही हाइड्रोक्सिल आयन होंगे, तो इन वाटर हाइड्रोनियम आयन
इज इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन, दोनों की संख्या बराबर होती है, इसी कारण से वाटर क्या होता है, न्यूट्रल होता है। ये आपने कई सारे इसके एविडेंस देखे हैं कि वाटर न्यूट्रल नेचर का है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम एंड हाइड्रोक्सिल आयन है बोथ आर इक्वल इन द वाटर। तो इसमें हम हाइड्रोनियम और हाइड्रोक्सिल आयन को इक्वल पा रहे हैं, तो हाइड्रोक्सिल की जगह पर हाइड्रोनियम भी रखा जा सकता है। तब ऐसे केस में के डब्ल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा हाइड्रोनियम आयन इंटू हाइड्रोनियम आयन इज इक्वल टू 1.0 इंटू 10^-14 मोल स्क्वायर लीटर इनवर्स स्क्वायर। तो दोनों हाइड्रोनियम आ गया, इसको हम स्क्वायर भी लिख सकते हैं। मिस हाइड्रोनियम का स्क्वायर इज इक्वल टू 1.0 इंटू 10^-14। यदि हम सिर्फ हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन निकालेंगे वाटर के लिए तो ये हो जाएगा 1.0 इंटू 10^-14 का स्क्वायर हो जाएगा। 2 हटा दिया, इस तरफ स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर कर देंगे तब कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन इज इक्वल टू 1.0 इंटू 10^-7 मोल पर लीटर। तो ये आ गया कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम। या मान लीजिए कि यहाँ पर हम क्या करें कि हाइड्रोनियम की जगह पर क्या रख दें, हाइड्रोक्सिल, तो भी बराबर हो जाएगा। मीन्स यदि आप इसी इक्वेशन में हाइड्रोक्सिल आयन का फाइंड करेंगे तब भी कितना पाएंगे, 10^-7 मोल पर लीटर। तो दोनों का कंसंट्रेशन 1.0 इंटू 10^-7 है एट 298 केल्विन पर ये पाया जाता है। मीन्स ये भी है कि जैसे जैसे आप इसमें टेम्परेचर बढ़ाएंगे के डब्ल्यू की वैल्यू वाटर के लिए ही क्या होती जाएगी, राइज होती जाती है, बढ़ती जाती है। और जब ये बॉइलिंग पॉइंट पर लगभग पहुंचता है 373 केल्विन पर, वहाँ पर इसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, 7.50 इंटू 10^-14। इसका मतलब ये हुआ कि अधिक से अधिक क्या हुआ, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं वाटर मॉलिक्यूल डिसोसिएट होते जा रहे हैं किसके रूप में, हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन। तो रूम टेम्परेचर पर इसका डिसोसिएशन काफ़ी कम है, लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है डिसोसिएशन बढ़ता जा रहा है। डिसोसिएशन बढ़ने से इन दोनों का जो प्रोडक्ट है हाइड्रोनियम और हाइड्रोक्सिल आयन, ये भी वैल्यू क्या होती जाती है, इंक्रीज़ होती जाती है। तो वहीं पर यदि आप देखें, यदि अब हम इस वाटर में क्या करते हैं, एसिडिक सॉल्यूशन थोड़ा सा स्मॉल अमाउंट में मिला देते हैं तो वाटर एसिडिक नेचर का हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि उसमें हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, हाइड्रोक्सिल का घट जाता है। और यदि हमने बेस मिला दिया तो हाइड्रोक्सिल आयन की संख्या बढ़ जाएगी, हाइड्रोनियम की घट जाएगी, तो वो बेसिक सॉल्यूशन कहलाएगा और न्यूट्रल में जबकि दोनों की बराबर होती है। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन के डब्ल्यू, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, एक तो यह है कि वैल्यू ऑफ आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर के डब्ल्यू इंक्रीजेस विद राइज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाएंगे के डब्ल्यू की वैल्यू लगातार बढ़ती जाएगी। जैसे वाटर है, डिसोसिएशन किया हाइड्रोनियम प्लस हाइड्रोक्सिल आयन। अब चूंकि डिसोसिएशन एक वाटर का जो है एंडोथर्मिक प्रोसेस है, डेल्टा एच इज इक्वल टू +57.3 किलोजूल है। एंडोथर्मिक होने का कारण यह है कि मतलब जैसे जैसे अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल यदि अप्लाई करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाने पर यह रिएक्शन कहाँ की ये तरफ मूव कर जाएगी, इक्विलिब्रियम शिफ्ट टुवार्ड्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन की ओर शिफ्ट करेगा। मीनिंग मोर एंड मोर अनडिसोसिएटेड वाटर मॉलिक्यूल्स विल बी कन्वर्टेड इंटू आयंस, ये ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ते जाएंगे। और जैसे जैसे आयंस की संख्या बढ़ती जाएगी के डब्ल्यू की वैल्यू भी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, क्योंकि ये तो इस पर इनके कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है के डब्ल्यू। तो ये बढ़ेंगे तो के डब्ल्यू की वैल्यू भी इंक्रीज होती जाएगी। तो ली चैटलियर प्रिंसिपल से इसको समझ सकते हैं कि के डब्ल्यू इंक्रीज होता जाएगा जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। हम यदि कंसंट्रेशन देखें हाइड्रोनियम या हाइड्रोक्सिल आयन का अलग अलग तरह के सॉल्यूशन में, तो इन एसिडिक सॉल्यूशन, एसिड मतलब क्या होते हैं, हाइड्रोजन या हाइड्रोनियम आयन, तो यहाँ पर हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन हाइड्रोक्सिल आयन के कंपैरिजन में ज़्यादा होगा। या किसी न्यूट्रल में हमने एसिड मिलाया तो इसका मतलब है कि उसमें किसकी संख्या इंक्रीज़ हो गई, हाइड्रोनियम आयन की संख्या इंक्रीज़ हो जाती है, तो वो एसिडिक सॉल्यूशन। यदि सॉल्यूशन बेसिक होगा, इन बेसिक सॉल्यूशन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम लेसर देन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन, मीन्स यहाँ पर हाइड्रोक्सिल आयन की संख्या ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू हाइड्रोनियम आयन।
और यदि हम वही न्यूट्रल सॉल्यूशन ले रहे हैं तो इन न्यूट्रल सॉल्यूशन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन, यहाँ सबकी संख्या बराबर होगी और इसी वजह से ये क्या होंगे, न्यूट्रल नेचर के होते हैं। अब आगे पढ़ते हैं पीएच स्केल के बारे में, कैसे हम इसका पीएच वैल्यू मेजर करेंगे। पीएच स्केल और एक्सप्रेशन हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, तो पीएच स्केल जैसे आपने भी पढ़ा कि वाटर है, वाटर में हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन 1.0 इंटू 10 टू द पावर -7 मोल पर लीटर पाया जाता है। तो ये तो हमने कंसंट्रेशन है और इसी से हम जनरली फाइंड करते हैं कि यदि हाइड्रोनियम का कंसंट्रेशन बढ़ गया तो एसिडिक हो गया, और यदि कम हो जाता हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन तो वह बेसिक नेचर का हो जाएगा, और यदि दोनों का इक्वल रहता है तो वह न्यूट्रल है। तो इसी के लिए कि वह एसिडिक है, बेसिक है, लेकिन वो कितना एसिडिक या बेसिक है, इसके लिए सोरेनसन इन 1909 सोरेनसन ने एक स्केल यहाँ पर डिस्कवर किया 1909 में, और एक नया टर्म उन्होंने इंट्रोड्यूस किया पीएच स्केल, और उन्होंने पीएच स्केल को या पीएच या सिंपली उसको पीएच स्केल या पीएच भी बोल देते हैं। तो पीएच ऑफ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन इन मोल्स पर लीटर। मीन्स पीएच जो है वो नेगेटिव लॉगरिथम किसका है, हाइड्रोनियम आयन का, या तो इस तरह से लिख सकते हैं या फिर नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोनियम आयन या हाइड्रोजन आयन, दोनों ही सेम है। तो ये फार्मूला है पीएच फाइंड करने के लिए कि जो भी हाइड्रोजन आयन है या हाइड्रोनियम आयन है उनका कंसंट्रेशन को यदि हम फाइंड कर लें और उसका नेगेटिव लॉग ले लें तो वो नेगेटिव लॉग ही हमें क्या कहलाएगा, पीएच, उसकी हमें जानकारी मिल जाएगी इससे। और पीएच जो एक ये डैनिश वर्ड है पोटेंच, वहाँ से इसको डेराइव किया गया है। पोटेंच का मीनिंग होता है पावर, और पीएच मीन्स हो जाता है पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन या पावर ऑफ हाइड्रोनियम आयन। तो ये पोटेंच मीन्स पावर से इसको लिया गया है, डैनिश वर्ड था। अब जनरली जैसे यदि आप देखते हैं न्यूट्रल सॉल्यूशन है एट 298 केल्विन, फॉर न्यूट्रल सॉल्यूशन मीन्स वाटर, यदि हम इसको यहाँ पर लेंगे तो वाटर में आपने जैसे पढ़ा हुआ है कि H2O प्लस H2O ये न्यूट्रलाइज वो डिसोसिएट हो जाते हैं हाइड्रोनियम आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन, और कंसंट्रेशन भी आपने कैलकुलेट किया हुआ है कि हाइड्रोनियम आयन इक्वल टू हाइड्रोक्सिल आयन इक्वल टू कितना पाया, 1.0 इंटू 10 टू दी पावर 7 मोल पर लीटर, इतना हमने इसमें कैलकुलेट किया हुआ है। तो ये कैलकुलेट करने के बाद हम इसको क्या करेंगे, इस फॉर्मूले पर यदि रख देते हैं तो ये फॉर्मूले पर रखने के बाद आपको देखिए किस तरह से क्या वैल्यू मिल जाएगी। तो इसको वैल्यू यहाँ पर रख दें, ये पीएच माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन, यहाँ रख दीजिए माइनस लॉग हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन का वैल्यू है 1.0 इंटू 10 टू दी पावर -7। अब आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा एट लॉग ए टू दी पावर x इज इक्वल टू होता है x लॉग a, 1 का तो लॉग 1 की वैल्यू तो 0 हो जाएगी, लॉग 10 की वैल्यू होगी 1, और ये पावर इधर पर आ जाएगा तो ये हो जाएगा -7 माइनस लॉग 10, ये हो जाएगा माइनस लॉग 10 की वैल्यू 1, और सॉरी ये माइनस पहले ही था यहाँ पर, ये इधर पर है माइनस माइनस 7 लॉग 10, तो माइनस माइनस हो जाएगा ये 7। तो इस तरह से आप पीएच वैल्यू फाइंड करेंगे, 7 इंटू 1 इज इक्वल टू 7। तो इसलिए वाटर का जो पीएच हम फाइंड करते हैं उसमें हाइड्रोनियम आयन पीएच की वैल्यू वहाँ पर 7 होती है। तो ये पीएच हो गया कितना यहाँ पर 7, ये वाटर का पीएच होगा, न्यूट्रल सॉल्यूशन का पीएच होगा 7। अब यदि एसिडिक होता है तो एसिड के लिए क्या होता है पीएच वैल्यू, ये तो है फॉर न्यूट्रल पीएच लेस देन 7 फॉर एसिडिक सॉल्यूशन, एंड वैल्यू ऑफ पीएच इज ग्रेटर देन 7 फॉर बेसिक सॉल्यूशन। क्यों है, क्योंकि एसिडिक सॉल्यूशन में क्या होगा,
ये कंसंट्रेशन और भी आगे जो है बढ़ता जाता है। बढ़ने का मतलब है कि ये पावर जो है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, -7 से 6 हो जाएगा, -5 हो जाएगा, -4 हो जाएगा। तो वहाँ पर पीएच की वैल्यू देखिए, जितना पावर होगा यहाँ पर यदि -6 होता तो हमें पीएच वैल्यू 6 मिल जाती, -5 यदि हो जाता है तो 5 मिल जाएगा। मीन्स जैसे जैसे कंसंट्रेशन हाइड्रोनियम का बढ़ता जाएगा पीएच की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। लेकिन वहीं यदि हम बेसिक सॉल्यूशन लेते हैं तो जिसमें ये कंसंट्रेशन हाइड्रोनियम का कम होगा, हाइड्रोक्सिल का बढ़ेगा, हाइड्रोनियम का यदि कम होता जाएगा मीन्स ये पावर और बढ़ती जाएगी तो ये पहुँच ये ग्रेटर देन हमको 7। और तो इसके लिए जो सोरेनसन थे, सोरेनसन ने एक स्केल दिया यहाँ पर कि जो टोटल वैल्यूज़ होती हैं वो लगभग 1 से लेकर के, मतलब पीएच की वैल्यू 0 से लेकर के 14 तक होती है, जिसमें तो ये पीएच स्केल है जिसमें यहाँ पर कंसंट्रेशन दिया है हाइड्रोनियम आयन का। हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन लगातार डिक्रीज़ होता जा रहा है, 1.0, 10^-1, 2 और लास्ट 10^-14, और उसी में पीएच वैल्यू है 0 से लेकर के 14 तक। तो सोरेनसन ने जो स्केल दिया उसमें अलग अलग उन्होंने तरीके से बताया कि जो 0 से लेकर के 7 से कम तक की वैल्यू है पीएच की वो होगी एसिडिक नेचर की, और जिसका 7 आएगा पीएच वो होगा न्यूट्रल नेचर का, और 7 से ज़्यादा वाले होंगे बेस। और जैसे जैसे हम 7 से 0 की तरफ आएंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती जाएगी, इंक्रीज़ होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। लेकिन यदि हम वहीं 7 से आगे जब 14 की तरफ बढ़ते हैं तो वहाँ बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज़ होती है, मीन्स पीएच घटने से एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज़ हो रही है, जबकि पीएच बढ़ने से बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज़ हो रही है। तो 0 से 1 ये स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में आते हैं, 2 और 3 मॉडरेट एसिड कहलाते हैं, और जिनका पीएच वैल्यू 3 के आगे है, मतलब 4, 5, 6 और 7 से पहले, जस्ट पहले तक, वो सभी वीकली एसिडिक नेचर के होते हैं, मीन्स वो वीक एसिड हैं। इसी तरह से जिनका 7 से ज़्यादा है, 8, 9, 10, ये सभी वीक बेस की कैटेगरी में आएंगे, 11 और 12 मॉडरेट बेस कहलाते हैं, जबकि जिनका पीएच वैल्यू 13 और 14 है वो स्ट्रॉन्ग बेसिक नेचर के होते हैं, मीन्स वो स्ट्रॉन्ग बेस हैं। तो ये पीएच स्केल था। इसी तरह से पीओएच भी हम डिफाइन कर सकते हैं, पावर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन इन सिमिलर वे एज लाइक द पीएच। तो जैसे पीएच को डिफाइन किया जाता है वैसे ही आप यहाँ पर पीओएच को भी डिफाइन कर सकते हैं। तो पीओएच मीन्स पावर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन इज इक्वल टू हो जाएगा नेगेटिव लॉगरिदम ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन। बस पीएच था, अभी यहाँ पर दोनों जगह पर ओएच कर दिया तो ये हो गया पीओएच। अच्छा, कभी कभी यहाँ पर ये भी आता है क्वेश्चन कि पीएच प्लस पीओएच की वैल्यू कितनी होती है, इसको प्रूफ करें, या पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14 है उसको प्रूफ करें। तो हम इसके लिए जैसे जानते हैं, वी नो दैट कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन इक्वल एंड टू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन इज इक्वल टू 1.0×10^-14 मोल स्क्वायर लीटर इनवर्स स्क्वायर। हमने ये के डब्ल्यू से फाइंड किया हुआ था कि इनकी वैल्यू के डब्ल्यू के बराबर होती है, और 298 केल्विन पर टू इतना वैल्यू होता है के डब्ल्यू का। तो इसके लिए या तो इस तरह से इसमें लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पर भी ऐसे भी लिखा जा सकता है, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन हाइड्रोक्सिल आयन इज इक्वल टू के डब्ल्यू। अब हम इसमें दोनों तरफ क्या कर लें, लॉग ले लें। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, दोनों साइड इसमें लॉग ले लीजिए, तो ये हो जाएगा, अब ए इंटू बी है तो लॉग कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन, नेगेटिव लॉग लेना है, लॉग लेंगे हम लोग नेगेटिव, तो नेगेटिव लॉग और कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग के डब्ल्यू। ये लॉग दोनों में जाएगा, लॉग ए प्लस लॉग बी हो जाएगा, मतलब ये हो गया यहाँ पर माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन इज इक्वल टू माइनस लॉग के डब्ल्यू। तो माइनस लॉग हाइड्रोनियम आयन किसके बराबर हो गया, इसको आप लिख सकते हैं पीएच, और नेगेटिव लॉगरिदम ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन इसको लिख सकते हैं किसके बराबर, पीओएच के इक्वल।
और माइनस लॉग के डब्ल्यू। तो माइनस लॉग का यदि देखा जाए मीनिंग, तो ये जनरली पी के बराबर ही हम रखते हैं, तो ये हो जाएगा पी के डब्ल्यू, मतलब पावर ऑफ आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। तो पी के डब्ल्यू है। अब पी एच प्लस पी ओ एच, या तो पी के डब्ल्यू आप लिख सकते हैं या माइनस लॉग के डब्ल्यू भी लिखा जा सकता है। इसके अलावा यदि हम इसी में के डब्ल्यू की जगह पर यदि वैल्यू रखते हैं, तब क्या हो जाएगा, पी एच प्लस पी ओ एच, और ये नेगेटिव लॉग हो जाएगा 1.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 14। तो माइनस 14 पी एच प्लस पी ओ एच इज इक्वल टू माइनस 14 माइनस लॉग 1 का 0 हो जाएगा 10। तो ये वैल्यू हो जाएगी पी एच प्लस पी ओ एच इज इक्वल टू माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये प्लस का 14 हो गया। या ये मान के कह सकते हैं कि पी के डब्ल्यू की वैल्यू ही कितनी होती है, 14 होती है एट 298 केल्विन। तो यहाँ से आप इस तरह से इसको प्रूव कर सकते हैं कि पी एच प्लस पी ओ एच इज इक्वल टू 14 फॉर वाटर और फॉर न्यूट्रल सॉल्यूशन एट 298 केल्विन। तो इससे इस तरह से कैलकुलेट। अब यदि मान लीजिए कि हमको पी एच दिया गया है, तो हम पी एच वो पी ओ एच दिया गया है, तो हम क्या फाइंड कर सकते हैं, पी एच फाइंड कर सकते हैं, पी ओ एच को वैल्यू को माइनस कर देंगे। यदि हमको क्या फाइंड करना है कि पी ओ एच निकालना है, तो 14 माइनस क्या हो सकता है, पी एच कर सकते हैं, तो पी ओ एच फाइंड हो जाएगा। तो जैसे यदि मान लीजिए किसी का पी एच पी ओ एच दिया गया है और उसे हमें पी एच फाइंड करना है, तो उसकी वैल्यू को 14 से माइनस कर दिया जाएगा। तो इसके लिए जैसे एक क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट द पी एच ऑफ ए सॉल्यूशन इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन इज 1.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 मोल पर लीटर। मतलब दिया तो ओ एच है, लेकिन हमें कैलकुलेट क्या करना है इसका, पी एच। तो सबसे पहले तो हम कंसंट्रेशन ऑफ देखिए हाइड्रोक्सिल आयन लिख लेंगे, 1.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 मोल पर लीटर। अब इसके लिए हम सबसे पहले दी पी ओ एच निकाल लें, माइनस लॉग नेगेटिव आयन ऑफ माइनस नेगेटिव लॉग ऑफ द हाइड्रोक्सिल आयन, तो ये हो जाएगा माइनस लॉग 1.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, ये हो जाएगा माइनस लॉग 1.0 और माइनस माइनस 6 लॉग 10। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये वैल्यू 0 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 6 इंटू 1 मीन्स पी ओ एच इज इक्वल टू कितना हो गया, 6। अभी हमें तो क्या फाइंड करना है, पी एच। तो हमने जैसे पढ़ा हुआ है कि पी एच प्लस पी ओ एच इज इक्वल टू 14, तो पी एच इज इक्वल टू हो जाएगा 14 माइनस पी ओ एच। अब वैल्यू रख दीजिए, 14 माइनस पी ओ एच का आया 6, तो इसके लिए पी एच की वैल्यू हो जाएगी 8। 8 का मतलब है कि यह किस नेचर का हुआ, बेसिक सॉल्यूशन हुआ, बेसिक नेचर का सॉल्यूशन है। तो जिसमें हाइड्रोक्सिल आयन का कंसंट्रेशन इतना है, वो सॉल्यूशन बेसिक नेचर का होगा, जिसका पी एच वैल्यू 8 आया हुआ है। एक क्वेश्चन और देखिए, द पी एच ऑफ ए टोमेटो जूस इज 4.4, कैलकुलेट द हाइड्रोनियम आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन। पी एच हमको दिया गया है, पी एच का मीनिंग होता है नेगेटिव लॉग कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, नेगेटिव लॉग हाइड्रोनियम आयन इज इक्वल टू पी एच, उल्टा कर लिया है, तो माइनस लॉग हाइड्रोनियम आयन इज इक्वल टू 4.4। अब ये माइनस लॉग है, हमें सिर्फ चाहिए है किसका, हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन। तो इसके लिए हमें दोनों साइड क्या लेना पड़ेगा, एंटी लॉग लेना पड़ेगा, टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड, दोनों साइड एंटी लॉग रख लेंगे, तो लॉग एंटी लॉग ये कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा हाइड्रोनियम आयन, और हाइड्रोनियम आयन के बाद तो ये यहाँ पर जैसे टोमेटो जूस का है माइनस यहाँ पर था, हम इसको एंटी लॉग लेंगे, तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि माइनस ये इधर और ये इधर, इसका एंटी लॉग ले लेंगे, एंटी लॉग ऑफ माइनस 4.4। तो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन इसका जो वैल्यू मिल जाएगा एंटी लॉग लेने पर 3.98 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5
मोल पर लीटर। हाइड्रोनियम आयन मिल गया, अब हम यहाँ से क्या फाइंड करना है, हाइड्रोक्सिल आयन। इसके लिए आपने के डब्ल्यू इज इक्वल टू कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन इंटू हाइड्रोक्सिल आयन पढ़ा हुआ है, तो हाइड्रोक्सिल आयन इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, के डब्ल्यू अपॉन कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन। के डब्ल्यू की वैल्यू होती है 1.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 14, और अभी हाइड्रोनियम आयन का आपने फाइंड कर लिया है 3.98 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। इसको यहाँ से आप सॉल्व कर लीजिए तो फाइंड हो जाएगा कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन इज इक्वल टू 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 मोल पर लीटर। तो ये दोनों वैल्यूज आप यहाँ पर ये इजीली फाइंड इस तरह से कर पाएंगे। तो इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, आप भी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए, इससे ज़्यादा आपको इजी हो जाएगा ये चैप्टर। और आज के इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।